आज हम देखेंगे एक और टूल जिसका नाम है वस्टी नेम। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर टूल है डोमेन नेम जनरेट करने के लिए। इस टूल को आप मेनली दो तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला है डोमेन सर्च और दूसरा है डोमेन मेकर। तो पहले हम देख लेंगे डोमेन सर्च। डोमेन सर्च में आपको यहाँ पे नेम इनपुट करते जाना है, मतलब कि वर्ड्स इनपुट करते जाना है जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको नेम जनरेट करना है, और यहाँ से आप उस डोमेन नेम को जो आपको पसंद आएगा वो आप चेक कर सकते हैं कि वो .com, .net और .org के साथ अवेलेबल है भी या नहीं। और यहाँ नीचे भी कुछ फिल्टर्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सिर्फ .com चुन लेंगे। यहाँ टू वर्ड या थ्री वर्ड कम्बाइन टू वर्ड्स रखते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। और सो फॉर सेल डोमेन्स ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और भी कुछ फिल्टर्स है जैसे हाइफेंस, प्लूरलाइज, नाउन्स, ये हम खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स डालेंगे। हमने पिछले दो तीन वीडियो में हम फूड रिलेटेड नेम जनरेट किए थे, तो इसमें भी हम फूड रिलेटेड कुछ वर्ड्स डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार वर्ड्स डाला है। अभी इस टूल में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको सिमिलर वर्ड्स के आइडियाज़ दिखाएगा। तो जैसे फूड में हम गए तो यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा चेक करते हैं। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं टेस्टी में टेस्ट फूल डिलीशियस ये सब आ रहा है, और यहाँ से भी हम फिर से वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। हेल्दी में जाएंगे तो ये सब आ रहा है, जैसे हम होलसम ऐड कर देते हैं, स्पाइसी में ये आ रहा है डिलीशियस, और अब हाँ फूड में भी अभी आ रहा है। तो हम यहाँ से वर्ड्स ऐड करते जाएंगे तो ये लिस्ट बढ़ता ही जाएगा। तो अभी हमने जितने भी वर्ड्स लिए हैं इन सारे को कंबाइन करके इन्होंने कुछ अवेलेबल डोमेन्स दिखा रहा है ये लोग। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, अगर हम बाय पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं परचेस डोमेन या होस्टिंग एक साथ आप खरीदना चाहे तो। ये आपको रजिस्टर के नाम दिखा रहा है जैसे कि GoDaddy, Namecheap, .star वगैरह। तो हम यहाँ पे भी ये नेम डाल के देख सकते हैं। जैसे अगर हम ये नेम लेना चाहे tastyfood.com, तो tastyfood.com आप देख सकते हैं ये नेम अवेलेबल नहीं है, .com टेकन, .net टेकन, .org टेकन। इन सारे नेम में से अगर हम कोई डालेंगे तो वो हमको मिल जाएगा। और यहाँ से हम सेव कर सकते हैं डोमेन्स को, जैसे ये सब डोमेन्स है हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था इसका पहला टूल। अभी हम चलते हैं डोमेन मेकर पे। हम न्यू सेशन करते हैं। डोमेन मेकर में आप देख सकते हैं मेक डोमेन्स दैट स्टार्ट्स विद और एंड विद द वर्ड। तो हम स्टार्ट विथ द वर्ड फूड दे देते हैं, और इसमें वेरी नेचुरल, लेस नेचुरल, समवॉट नेचुरल, तो वेरी नेचुरल रहने देते हैं। और डोमेन कितने कैरेक्टर्स तक होने चाहिए, तो हम ये 15 रख देते हैं। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे नेम जेनरेट हो चुके हैं। तो यहाँ से भी कोई एक नेम आप चूज कर सकते हैं, तो आप इसको सेव कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, डोमेन और होस्टिंग के साथ भी परचेस कर सकते हैं। तो यही था वस्टी नेम। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, आप भी इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए।